हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई एम हिमाली शर्मा फ्रॉम थर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सब्जेक्ट मैथ्स मैजिक, क्लास टू, चैप्टर नंबर 13। कौन सा है? द लॉन्गेस्ट स्टेप। उसमें आज हम सीख रहे हैं चेक योर गेस। हम जो गेस कर रहे हैं वो चेक करना है। देखो, गेस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग्स शोन बिलो। यहाँ पे जो थिंग्स दी है उसकी हाइट और लेंथ फाइंड आउट करनी, गेस करनी है। फाइंड द लेंथ और चेक योर आंसर। पहले गेस करनी है, फिर हमको वो फाइंड आउट करनी है और फिर लिखना है। ये देखो, ये बच्चा कह रहा है हाउ लॉन्ग इज मैडम्स प्लेट। मैडम्स प्लेट्स यानी मैडम की चोटी। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चोटी है वो कितनी लंबी है। तो वो आप कैसे मेजर करोगे? तो उसको हम हैंड स्पैन से मेजर करेंगे, है ना। अगर आप इससे मेजर कर रहे हो तो हैंड स्पैन से मेजर करना है। आगे देखते हैं नेम ऑफ द थिंग्स। यहाँ पे थिंग्स के नाम दिए हैं। यहाँ पे हम क्या गेस कर रहे हैं, हमको क्या लग रहा है वो, और फिर हमको चेक करके रिजल्ट लिखना है। तो पहले ग्लास, ग्लास लेना है एक, उसको यहाँ से लेके नीचे तक, ये जो टॉप वाला हिस्सा और बॉटम वाला हिस्सा, ये यहाँ पे ऐसे फिंगर्स रख के पहले हमको क्या करना है, गेस करना है कि ये कितनी फिंगर्स होगा। तो मैं यहाँ पे बड़ा ग्लास लोगे तो वो 6 या 7 फिंगर्स का होगा, और छोटा ग्लास लोगे तो वो 5 या 6 का होगा। तो वो पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और आपको घर पे जाके मेजर करके, आपको घर पे मेजर करके लिखना है कि वो कितनी फिंगर्स होता है, कैसे मेजर करना है। मैंने सिखाया था ना, 4, 4, 8, 4, 12 ऐसे। फिर है बकेट। बकेट यानी बाल्टी। तो वो कितने हैंड स्पैन की है, तो हैंड स्पैन को कैसे मेजर करना है ऐसे। ये देखो, ये 1, ये 2 ऐसे बकेट को मेजर करके यहाँ पे रिजल्ट लिखना है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर बकेट लंबी होगी तो हैंड स्पैन ज़्यादा आएंगे, अगर बकेट छोटी होगी तो हैंड स्पैन कम आएंगे। तो मैं यहाँ पे हैंड स्पैन लिख रही हूँ 3 हैंड स्पैन की, और आपको मेजर करके यहाँ पे लिखना है ना। फिर देखो योर हैंड, आपका हाथ। ये देखो, मेरा हाथ बड़ा है, तो ये पहले मैथ स्टिक्स को, कितनी मैथ स्टिक्स का होगा मैं यहाँ से मेजर करूँ, तो ये 1 मैथ स्टिक्स, ये 2 मैथ स्टिक्स, ये 3 मैथ स्टिक्स, 3 मैथ स्टिक्स जितना लंबा होगा। और यहाँ पे हमको क्या करना है, रिजल्ट पहले फाइंड आउट करना है मैथ स्टिक्स लेके, है ना। मैथ स्टिक्स लेके फाइंड आउट करना है, और फिर मैथ सिक्स लेके मेजर करके यहाँ पे लिखना है, हमको गेस करके यहाँ लिखना है और यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखना है ना। यस, अगर आपके हाथ छोटे हैं तो मैथ सिक्स ज़्यादा आएगी, अगर हाथ लंबे हैं तो मैथ सिक्स कम आएगी, है ना। ये जो आंसर है वो सबके अलग अलग होते हैं, है ना। ये मेरा, मैं लिख रही हूँ वैसा ना भी आया आंसर, आपका दूसरा भी आ सकता है। फिर टीचर्स टेबल, तो ये अभी हम तो स्कूल आते नहीं है ना, इसलिए आपको घर पे अपने पास जो टेबल है उसको कितने हैंड स्पैन का होगा वो मेजर करके यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेरा गेस, मैं गेस कर रही हूँ कि 6 हैंड स्पैन का है, लेकिन कितने हैंड स्पैन का है तो वो मैं देख के लिख रही हूँ, है ना। 6 हैंड स्पैन का ही है हमारा टेबल। फिर योर नोज, आपका नाक, तो कितनी फिंगर्स का है, अगर आप लोग छोटे हो तो आपके नोज, आपका नोज छोटू सा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 फिंगर, और मेजर करके आपको यहाँ पे लिखना है। फिर वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल कितने फिंगर्स की होगी, तो वो भी आपको गेस करना है कि 12 फिंगर्स, और ये लिखना है यहाँ पे। फिर योर हेयर, आपके बाल, तो आपके बाल कितने लंबे हैं, तो
तो वो हैंड स्पान कितने हैंड स्पान की होगी? मेरे बाल 4 हैंड स्पान के हैं। आपके बाल जितने हैंड स्पान के हो वो यहाँ पे गेस करना है और यहाँ पे लिखना है ना? तो ये आपको अपने आप घर पे करना है। ओके, करोगी ना? यस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।